तो कैसे हैं आप लोग? तमाशा स्टार्ट हो चुका है और एक साल कंप्लीट हो चुका है। सीजन टू है तमाशा का और एक साल होने के बाद ये दोबारा लॉन्च हो चुका है। अब यहाँ पर देखना है कि कौन कौन इसके अंदर है। आप पता तो चल चुका होगा कि इसके अंदर कौन है। यहाँ पे फैजान मौजूद है, अली सिकंदर है, बेबी बाजी ड्रामा तो आपने देखा ही होगा, उसके अंदर जो जुनेद थे वो भी इसके अंदर मौजूद है, और यहाँ पे अंबर भी है, नताशा है, और इसमें नेहा है और जैनब है। यहाँ नेहा काफ़ी स्वीट है, काफ़ी हंसती है, लेकिन यहाँ उल्टा होगा। यहाँ पे जैनब यहाँ पे काफ़ी गुस्से वाली हैं और वहाँ पे काफ़ी अपना एटीट्यूड दिखाती हैं। अब यहाँ पर देखना ये है कि एटीट्यूड के आगे कौन टिक पाएगा। यहाँ फैजान टिक पाएंगे या फिर दानिश? और यहाँ पे दानिश भी मौजूद है, काफ़ी ज़बरदस्त कॉमेडियन है, और इसमें उमर शहजाद भी नज़र आने वाले हैं, काफ़ी ज़बरदस्त एक्टर हैं, मॉडल है। अब देखना यह है कि इन दोनों में क्या कुछ हो सकता है। विकाल, क्या लग रहा है तमाशा में कौन जीतेगा? दानिश जीतेगा या फिर फैजान जीतेगा? दानिश हाँ। और फैजान? और यहाँ पे अदनान सिद्दीकी अपने नए रूप नजर आएंगे। यहाँ मूछें इन्होंने रखी हुई है और ताव देते रहेंगे और सबकी क्लास लेते रहेंगे। और यहाँ घर के अंदर एंट्री जब स्टार्ट होगी तो सबसे पहले जाएंगे वहाँ पे अंबर और अली सिकंदर, ये दोनों जाएंगे। इसके बाद फिर वन बाय वन सारे घर के अंदर जाएंगे, और घर के जाने के बाद सबसे पहले वो देखेंगे वहाँ का माहौल, फर्नीचर, जिम, किचन, और पता नहीं क्या क्या कुछ होगा वहाँ पे, सिटिंग एरिया जो आप सब लोगों ने पहले सीजन में देखा था, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से अब यहाँ पे बनाया गया है। अब यहाँ पर देखना ये भी है, बिग बॉस में अब्दुल था तो यहाँ पे दानिश है, लेकिन यहाँ दानिश काफ़ी ज़बरदस्त एक्टर है और कॉमेडियन है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, और बच्चे भी काफ़ी पसंद करते हैं दानिश को। दानिश पसंद आता है आपको? कॉमेडी बहुत अच्छी करती है और काफ़ी ख़तरनाक भी है। अगर आप उससे सियासत करेंगे वो लालू खेती है, और लालू खेती किसी को छोड़ता नहीं है, तो दानिश से आप होशियार रहिएगा और फैजान से भी होशियार रहिएगा। फैजान काफ़ी ख़तरनाक प्लेयर हो सकता है। तो ये भी देखना है तो घर का पहला वजीर कौन बनेगा, और यहाँ पे कौन कौन वजीर बन सकता है। यहाँ पे अली सिकंदर, फैजान, या दानिश, या उमर शहजाद, या फिर क्या नाम है नेहा, और कौन है यहाँ पे जैनब, कौन बन सकता है? मिसाल बताओ। ज़्यादातर जो डिमांड आ रही है यहाँ पे दानिश की आ रही है, फैजान की आ रही है, और अब देखते ही है सबसे पहले वजीर कौन बनता है। जब इनके पास राशन के लिए आएंगे, वहाँ पे टास्क जीतेंगे, तो सबसे पहले ये क्या चीज़ लेंगे? आटा लेंगे, चीनी लेंगे, घी लेंगे, या फिर कॉफ़ी लेंगे, क्योंकि कॉफ़ी के ऊपर काफ़ी लड़ाइयाँ होती है, और यहाँ पे अंडे, ब्रेड, इन चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी लड़ाई होती है। तो अब मेला सजने वाला है, तकरीबन सज चुका है, और यहाँ पे पहला एपिसोड आ चुका है। और यहाँ पे आपको कैसा लगा पहला एपिसोड, तो इसका पूरा रिव्यू मैं आपको देता रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप मेरी लोकेशन भी आप देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। कमेंट कीजिए और साथ बने रहिएगा, तमाशा का रिव्यू देखते रहे। अल्लाह हाफिज़।